सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जिस प्रकरण का मैं जिक्र करने वाला हूं वो प्रकरण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो प्रकरण उत्तराखंड प्रदेश जिला नैनीताल हल्द्वानी शहर का है। हल्द्वानी शहर में वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में आज बच्चे महिलाएं बड़े बुजुर्ग भूखे प्यासे सड़कों पर और लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जहां भीम आर्मी भारत एकता मिशन हल्द्वानी के समस्त साथी अपने अपने स्तर से इस प्रकरण में लगे हुए हैं। उन्होंने संगठन के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजकर अपनी तरफ से अवगत कराने की कोशिश भी की, जिसमें समस्त संगठन जितने भी उत्तराखंड प्रदेश या बाहर में संगठन कार्यरत हैं सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण है हल्द्वानी शहर के उस क्षेत्र का, जो क्षेत्र 123 साल पुराना क्षेत्र, जहां 123 साल पुरानी यादें लोगों की जुड़ी हुई है। बनभूला क्षेत्र वो क्षेत्र जो हल्द्वानी का सबसे पुराना क्षेत्र है और उस क्षेत्र का अपना एक इतिहास है कि वो क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत से पहला, जब देश के अंदर अंग्रेजी शासन काल था, अंग्रेजों का राज था, उससे भी पहले उस क्षेत्र में जो लोग आज रह रहे हैं उनके बड़े बुजुर्ग जिन्होंने उस क्षेत्र में अपना जीवन यापन किया, आज हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया जाता है। बिल्कुल एक पक्षीय, मैं कहूंगा कि दूसरे पक्ष को हाईकोर्ट ने सुनने का काम नहीं किया है। फैसला देने से पहले, कोई भी जजमेंट देने से पहले विपक्ष को सुनना जरूरी होता है और विपक्ष इतना मजबूत है कि लगभग 123 साल पुराना क्षेत्र, अंग्रेजी शासन काल से पहली ये बस्ती, लगभग दो राजकीय इंटर कॉलेज, चार प्राइमरी स्कूल, लगभग दो मंदिर, आठ मस्जिदें, एक कब्रिस्तान, और जिसकी मुझे जानकारी भी नहीं है, इतना बड़ा वो क्षेत्र है और उस क्षेत्र को रेलवे का क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है बिना किसी तथ्यों के आधार पर, बिना विपक्ष को सुने। आज लगभग 4,500 परिवार सड़कों पर हैं और जिसमें से 99% लोग मुस्लिम हैं। तो मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि कल सभी पीड़ितों से मिलने के लिए भीम आर्मी उत्तराखंड प्रदेश की समस्त टीम कल हल्द्वानी पहुंचेगी। कल लगभग 12 से 1 बजे के बीच में हम लोग हल्द्वानी पहुंचेंगे और जितने भी पीड़ित परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं उन सबसे मिला जाएगा। पीड़ित परिवार के लोग, अन्य दलों के लोग अपने अपने माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, समस्त दलों का सम्मान करता हूं, समस्त राजनीतिक दलों का भी सम्मान करता हूं जो इस समय पीड़ितों के साथ खड़े हैं। अभी वक्त है हमें पीड़ितों के साथ खड़े होने का, उनकी लड़ाई को लड़ने का, और ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्य किया गया है, इसे अंजाम दिया गया है। न्यायालय के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, जो जजमेंट न्यायालय के द्वारा दिया गया है, इससे सरासर साफ जाहिर होता है कि एक पक्ष को, जो पीड़ित पक्ष है, उस पक्ष को बिना सुने एक पक्षीय कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं न्यायालय भी अब शासन के दबाव में काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि ये साफ जाहिर करता है सरकार की मानसिकता को। हालांकि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये
न्यायालय की प्रक्रिया है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि 123 साल पुराना इतिहास, वो इतिहास जो हल्द्वानी शहर के अंदर अपने आप में एक मिसाल है कि 123 साल पुराने इतिहास के साथ में छेड़खानी की जा रही है। वहां बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। जो लोग लंबे समय से बिजली का बिल, पेयजल निगम को बिल, लंबे समय से अपने रजिस्ट्री के मकानों में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान वहां पर आवंटित किए गए उन मकानों में रह रहे हैं, वहां लगभग लगभग 4000 से ऊपर परिवार उस क्षेत्र में निवास करते हैं। कच्चे पक्के और झुग्गियों की बात करूं तो 4500-5000 के लगभग वहां घर हैं जिन घरों को तबाह किया जा रहा है। ये सोचना चाहिए और ये सोच का विषय है। सभी से अपील करता हूं कि इस समय पीड़ितों को आवश्यकता है हम लोगों की, हम सबको साथ होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और ये उत्तराखंड प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है, आप सभी का कर्तव्य बनता है, भीम आर्मी का एक सिपाही होने के नाते आज मुझे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सामने रखा गया तो उन्होंने तत्काल टीम को आदेशित किया कि पहले कल हमारी प्रदेश की टीम तत्काल हल्द्वानी के लिए कूच करेगी और पीड़ित परिवार के जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात करेगी और उन्हें यह आश्वासन दिलाएगी कि हर संभव जो भी हमसे मदद होगी हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उनके आंदोलन में भी उनके साथ खड़े हैं, सड़कों पर भी उनके साथ खड़े हैं और न्यायालय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए न्यायालय में भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस तरह का फरमान जारी करना, 4500-5000 लोगों के सरों से छत छीनना, एक बार न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए था। न्यायालय में जजमेंट देने से पहले एक बार इसमें विचार करके विपक्ष को भी सुनना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की गई। तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अब न्यायालय भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पूरी तरह से देश में एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय को टारगेट करने का काम कर रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 99% आबादी मेरे मुस्लिम समाज की आबादी है जिन्हें घरों से बेघर करने के लिए फरमान जारी किया गया है। तो आप लोगों को तय करना है कि अपने भाइयों को घरों से बेघर देखना है, अपनी माताओं बहनों को सड़कों पर देखना है, उन्हें रोते बिलखते छोड़ना है या उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी लोगों को इस लड़ाई को मजबूत करना है। जो साथी हल्द्वानी जाना चाहते हैं वो साथी सबसे संपर्क भी हो चुका है, लाइव वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, काशीपुर के साथी, रुद्रपुर के साथी और हमारे हरिद्वार के साथी जो कल हल्द्वानी जो जाना चाहते हैं वो साथी मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे संपर्क करेंगे और जिन साथियों से बात हो चुकी है वो साथी अपनी तैयारी में लगे, कल हम लोग हल्द्वानी की ओर कूच करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार कल पीड़ितों से मिला जाएगा और इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाएगा। आप सभी साथियों ने मेरी आवाज को सुना, मेरी बात को सुना, बस इसे अपने तक मत रखना, इस लाइव वीडियो को आगे तक शेयर करें और किस प्रकार से उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय, क्योंकि वहां सड़कों पर जो लोग हैं आपको भली भांति पता है कि सड़कों पर कौन लोग हैं और आपको भली भांति पता है कि 99% आबादी वहां किन लोगों की है। ये पूरी तरह से टारगेट करने वाली बात है और न्यायालय भी अब सरकार के दबाव में काम कर रहा है, ये साफ जाहिर होता है इस जजमेंट से। तो आप सभी साथियों से यही आग्रह करता हूं कि ये समय है अपने भाइयों का साथ देने का और हल्द्वानी में पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने का और हम डटकर, भीम आर्मी का बच्चा बच्चा हल्द्वानी के पीड़ित साथियों के साथ में खड़ा है, आंदोलन में भी, न्यायालय में भी मजबूती से उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए उनके साथ खड़ा है। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान।